चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें अनिल साफ तौर पर बैलेट पेपर पर पेन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसीह के इसी वीडियो को देखने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बीते रोज कोर्ट में बिफर पड़े थे। उन्होंने कहा था कि अदालत लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। अनिल मसीह की बात करें तो 53 साल के अनिल मसीह लगभग एक दशक से भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के प्रमुख सदस्य हैं। 2015 से बीजेपी के सदस्य अनिल मसीह अल्पसंख्यक विंग का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। उनके समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उन्हें अक्टूबर 2022 में चंडीगढ़ एमपी हाउस में पार्षद के रूप में नामित किया था। इससे पहले 2021 में उन्हें भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव भी नियुक्त किया गया था। वैसे तो मेयर चुनाव से पहले तक अनिल मसीह विवादों से दूर रहे, लेकिन एक बार अनिल मसीह को 2018 में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने एक समिति की बैठक में कथित तौर पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और आस्था के खिलाफ बोलने के बाद सभी चर्च गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया था। हालांकि 2 साल बाद सीएनआई के बिशप डेंजल पीपल्स द्वारा उन्हें बहाल कर दिया गया। अनिल मसीह की निजी जिंदगी की बात करें तो ग्रेजुएशन के लिए डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 में जाने से पहले मसीह ने सेक्टर 11 के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी पंजाब इंजीनियरिंग हॉस्टल सेक्टर 12 में लड़कियों के एक हॉस्टल में प्रबंधक के रूप में काम करती हैं। परिवार पीईसी परिसर में छात्रावास में रहता है। मसीह ट्राई सिटी में निजी फर्मों के लिए काम भी कर चुके हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वो कोई नौकरी नहीं कर रहे। उनका कहना है कि वो पूरी तरह से राजनीति के लिए समर्पित हैं। बहरहाल अनिल मसीह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने के आरोपों से घिरे हुए हैं। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने उनके हरकतों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और उन पर मुकदमा चलाए जाने की बात कही थी। देखना होगा कि मसीह पर आगे क्या एक्शन होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।